तो आज अपन अल्टरनेटर पढ़ रहे हैं। अल्टरनेटर में जैसे कि आप देख सकते हैं, एक्साइटेशन के आधार पर दो प्रकार के अल्टरनेटर्स होते हैं। एक होता है आपका सेल्फ एक्साइटेड और एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड। तो सेल्फ एक्साइटेड में पहला अपन पढ़ रहे हैं सिंगल फेस का रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। एक रोटेटिंग आर्मेचर टाइप का भी अल्टरनेटर होता है जो सिंगल फेज थ्री फेज दोनों में होता है। फिलहाल अपन जो रोटेटिंग फील्ड टाइप सेल्फ एक्साइटेड अल्टरनेटर पढ़ रहे हैं वो आपका सिंगल फेज टाइप का है। तो सबसे पहले अपन इसमें अगर पार्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सिंगल फेज यदि अल्टरनेटर है तो इसमें आर्मेचर वाइंडिंग में एक सिंगल कॉइल होगी जैसे कि आपको दिख रहा है, और ये आपका जो रोटर की वाइंडिंग्स है, चाहे आपका सेलियंट पोल रोटर हो चाहे सिलेंड्रिकल पोल रोटर हो, दोनों की वाइंडिंग्स को आप इस तरीके से जो है दिखा सकते हैं। ठीक है, साथ में एक प्राइम मूवर लगा हुआ है जो इस अल्टरनेटर को मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कोई भी जनरेटर है इसको जब तक अपन मैकेनिकल एनर्जी नहीं देंगे वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके अगर टर्मिनल बॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल आपको जो है चार टर्मिनल्स मिलेंगे, जिसमें आर्मेचर के दो टर्मिनल्स रहेंगे और रोटर के दो टर्मिनल्स रहेंगे। ठीक है, आर्मेचर जो आपको यहाँ पर सिंगल फेस वाला है तो फेस और न्यूट्रल बना के देगा, और जो रोटर है आपका उसको अपने को फील्ड एक्साइटेशन देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अपन फील्ड एक्साइटेशन इसके रोटर को नहीं देंगे आपका आर्मेचर ईएमएफ नहीं बना पाएगा। ठीक है, अभी जैसा कि इसका नाम है सेल्फ एक्साइटेड, तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि जो आर्मेचर के द्वारा जो उत्पन्न होने वाला ईएमएफ है उसी की सप्लाई का यूज़ करके उसके रोटर में अपने को डीसी सप्लाई देना होगा। लेकिन ये आपका अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर जो है एसी सप्लाई बनाता है लेकिन इसके रोटर को डीसी सप्लाई देना होता है, इसलिए यहाँ पर अपन एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं। तो वर्किंग में सबसे पहले अपन इस अल्टरनेटर के रोटर को इस प्राइम मूवर के द्वारा जो है अपन मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आप प्राइम मूवर के रूप में डीसी मोटर, डीजल जनरेटर, जो भी आपको यूज़ करना हो, जो इस अल्टरनेटर की आरपीएम के बराबर इस प्राइम मूवर की स्पीड होना चाहिए। तो इस प्राइम मूवर के द्वारा पहले अल्टरनेटर के रोटर को घुमाते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि इसके आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, और इसके द्वारा जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो ईएमएफ उत्पन्न करके इसमें जो रोटर है इसमें अपने को डीसी फील्ड एक्साइटेशन देना होगा। तो ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है जैसे कि आपको पता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो इस आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न होने वाले ईएमएफ को यहाँ से जो है अपन रेक्टिफायर के द्वारा डीसी सप्लाई कन्वर्ट करके इसके रोटर को प्रोवाइड कर दिया जाता है। क्योंकि जब तक अपन इसके रोटर को फील्ड एक्साइटेशन नहीं देंगे आर्मेचर आपका जो है पूरी तरह ईएमएफ नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर काम करता है। जिसमें सिंगल फेस अल्टरनेटर है तो आपको यहाँ पर सिंगल फेस के लोड लगाना होगा। सिंगल फेस के लोड को तभी लगाएंगे जब आपका आर्मेचर जो है पूरी तरह ईएमएफ ना बना ले, मतलब 250 वोल्ट एसी आपका ना बना ले, तब तक आपको जो है इस लोड स्विच को आपको बंद रखना है। ठीक है, पूरी तरह जब तक आपका ईएमएफ बनेगा तब आपको लोड स्विच को ऑन करके यहाँ पर जो है आपको सिंगल फेस के लोड्स को लगाना है। ठीक है, अब सेकेंड टाइप अपन देखते हैं। अब आपको यहाँ पर स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा ये भी रोटेटिंग फील्ड टाइप का अल्टरनेटर है, लेकिन यह है आपका सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक है, तो सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड में थोड़ा सा अंतर होता है। सेपरेटली एक्साइटेड वाला यदि अल्टरनेटर अपन यूज़ करते हैं, चाहे वो सिंगल फेस वाला हो चाहे थ्री फेस वाला हो, उसमें इस अल्टरनेटर के जो साथ में कपल्ड जो है एक डीसी शंट जनरेटर होता है। जबकि अपन ने अभी जो सेल्फ एक्साइटेड देखे थे उसमें कोई भी एक्साइटर नहीं था, तो इसमें एक पार्ट आपका बढ़ जाता है। एक तो यहाँ पर जो है जैसे ये यहाँ पर देख रहे हैं कि थ्री फेस की वाइंडिंग है, मतलब ये आपका थ्री फेस का अल्टरनेटर है। यदि सिंगल फेस की वाइंडिंग होती तो ये सिंगल फेस का अल्टरनेटर हो जाता। तो यहाँ पर जो थ्री फेस की वाइंडिंग है जिसको आर्मेचर बोलते हैं अपन, तो ये स्टार में कनेक्टेड होते हैं ताकि अपन थ्री फेस सप्लाई यहाँ से उत्पन्न कर सके। ठीक है, एक रोटर है जो आपका सेलियंट पोल होगा या सिलेंड्रिकल पोल होगा जिसमें रोटर की वाइंडिंग की जाएगी। इसी रोटर के साथ शाफ्ट में कपल्ड आपका प्राइम मूवर होता है, और इसी के शाफ्ट के साथ आपका जो एक अल्टरनेटर है जो डीसी शंट जनरेटर है जो एक्साइटर का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है अपन थ्री फेस के लोड लगा सकते हैं। अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले प्राइम मूवर के द्वारा
इस थ्री फेस अल्टरनेटर के रोटर को इसकी मैक्सिमम स्पीड तक घुमाते हैं, और जब तक ये मैक्सिमम स्पीड पकड़ता है तब तक आपको इस फील्ड स्विच को ऑफ रखना है, ठीक है। जब आपका रोटर मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच जाएगा तब जाके आपकी इसकी फील्ड स्विच को ऑन करना है, और फील्ड स्विच जब ऑन हो जाएगी तो ये जो शंट जनरेटर है जो एक्साइटर के रूप में अपन यहाँ यूज़ कर रहे हैं, इसकी फील्ड को के द्वारा जो उत्पन्न होने वाला जो डीसी सप्लाई है ये अपन इसके रोटर को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इस रोटर को जब इस शंट जनरेटर के द्वारा जो है डीसी एक्साइटेशन मिलेगा तब जाके आपका जो इसका आर्मेचर है वो पूरी तरह ईएमएफ बनाएगा। एक ख़ास बात आप यहाँ पर यह भी जान लें कि यदि इस एक्साइटर के से जाने वाला फील्ड एक्साइटेशन इसके रोटर को नहीं भी जाता है तब भी इसके आर्मेचर के द्वारा बनने वाला ईएमएफ आपको थोड़ा सा प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि इसके रोटर में जो है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या अवशिष्ट चुंबकत्व मौजूद होता है, मतलब अगर आप फील्ड एक्साइटेशन इसको नहीं भी दोगे तो आर्मेचर में इसके रोटर में उत्पन्न हुआ अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण ईएमएफ बनेगा, लेकिन बहुत कम मान का बनेगा। और जब आप इसके एक्साइटर के द्वारा इसके फील्ड को जब आप इसकी दी जाने वाली आपूर्ति डीसी आपूर्ति प्रदान करेंगे तब जाके आपका जो ये आर्मेचर है जिसमें थ्री फेस वाइंडिंग की गई है ये आपको जो है पूरी तरह पूरा ईएमएफ देगा, फुल ईएमएफ प्रदान करेगा। जैसे 440 वोल्ट का अगर ये अल्टरनेटर है तो यहाँ पर आपको जो है इसके ईएमएफ जो है 440 वोल्ट प्रदान होगा। अगर इसके साथ आपको लोड कनेक्टेड करना है चाहे तो आप थ्री फेस लोड कनेक्ट कर सकते हैं या तो सिंगल फेस लोड कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टार कनेक्टेड है तो इसमें टोटल चार टर्मिनल होंगे। एक होगा आपका आर सप्लाई के लिए, वाई सप्लाई के लिए, बी सप्लाई के लिए, और ये जो कॉमन वाला पॉइंट है ये न्यूट्रल पॉइंट है। जैसे यहाँ पर A1, B1 और C लिखा हुआ है, इसको आप R, Y और B भी लिख सकते हैं अलग अलग फेस के लिए। और जो स्टार कनेक्शन से जो कॉमन पॉइंट आएगा ये न्यूट्रल है, ये थ्री फेस और साथ में एक न्यूट्रल यहाँ से प्रोवाइड करेगा। और फील्ड के दो टर्मिनल है F1 और F2 जो अपन इस DC शंट जनरेटर जो एक्साइटर लगा हुआ है उससे यहाँ पर अपन जो है एक्साइटेशन प्रोवाइड करेंगे। तो जब ये आर्मेचर आपका पूरी तरह EMF बना लेगा तब जाके अपन इसकी लोड स्विच को ऑन कर देंगे और यहाँ पर अपन जो है थ्री फेस के लोड को कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप थ्री फेस का लोड कनेक्ट करें या सिंगल फेस का लोड कनेक्ट करें, ठीक है। तो ये है आपका सेपरेटली एक्साइटेड, और आर्मेचर की वाइंडिंग को देखें तो ये थ्री फेस है, तो थ्री फेस टाइप का रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर, ठीक है। ज़्यादातर जो अपन अल्टरनेटर यूज़ करते हैं वो रोटेटिंग फील्ड टाइप का ही होता है, क्योंकि रोटेटिंग आर्मेचर टाइप का जो अल्टरनेटर है उससे ईएमएफ बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्योंकि अगर रोटेटिंग आर्मेचर टाइप का थ्री फेस अल्टरनेटर होगा तो उसमें आपको स्लिप रिंग्स लगाने होंगे, तब जाके आपका जो है अपन उससे ईएमएफ टर्मिनल बॉक्स पर ले सकते हैं। और रोटेटिंग फील्ड टाइप में जो है कोई भी आपको जो है स्लिप रिंग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप एक्साइटेशन एक्साइटर यदि है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं अपन, अगला है आपके पास OCC कर्व के लिए थ्री फेस अल्टरनेटर के कनेक्शन। और यहाँ पर जो अपन OCC कर्व के लिए अल्टरनेटर के कनेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेपरेटली एक्साइटेड टाइप का है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक्साइटर दिख रहा है तो एक्साइटर यदि लगा हुआ है तो ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड वाला होगा। यदि एक्साइटर नहीं है तो वो आपका सेल्फ एक्साइटेड हो जाएगा जिसमें आपको ब्रिज रेक्टिफायर लगाना होता है, ठीक है। तो OCC कर्व के लिए जो अल्टरनेटर के कनेक्शन है, तो सबसे पहले OCC कर्व को समझते हैं। OCC का फुल फॉर्म होता है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मतलब इस अल्टरनेटर में यदि लोड को हटा दिया जाए और फिर फील्ड करंट और ईएमएफ के बीच में यदि संबंध देखा जाए तो उसको OCC कर्व बोला जाता है, ठीक है, या इसको नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला जाता है। इसकी वर्किंग में देखेंगे, सबसे पहले तो OCC कर्व यदि अपन कर रहे हैं तो इस अल्टरनेटर में लगे हुए सभी लोड को आपको डिस्कनेक्ट करना होगा। बिना यदि लोड लगा हुआ है तो आप उस अल्टरनेटर का जो है OCC कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इसमें वर्किंग सीधा सीधा देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो आपका रोटर है इसको प्राइम मूवर के द्वारा घुमाएंगे। प्राइम मूवर को द्वारा घुमाने पर अभी फील्ड स्विच को ऑफ रखेंगे। फील्ड स्विच को ऑफ रखने पर इसके आर्मेचर के द्वारा ईएमएफ बनेगा, लेकिन बहुत कम मान का बनेगा। अब अपने को क्या करना है, इस रियोस्टेट की सहायता से इसकी शंट जनरेटर की
जो है फील्ड में जाने वाली करंट को जो है मैनेज करना है, परिवर्तित करना है। यदि इसकी करंट को अगर अपन परिवर्तित करते हैं तो इसके द्वारा बनने वाला जो EMF है या जो DC आपूर्ति है वो इस अल्टरनेटर के रोटर को कम प्रोवाइड होगी। यदि इसकी DC आपूर्ति कम प्रोवाइड होगी तो बनने वाला EMF का मान कम हो जाएगा। धीरे धीरे अपन जो है इसके रेजिस्टेंस को कम करते चलते हैं, जिसके कारण इसके द्वारा बनने वाला जो EMF है वो बढ़ता जाता है और इसके फील्ड में जाने वाली जो सप्लाई है वो बढ़ती जाती है। तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे अपन इसकी फील्ड की एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं तो इसके आर्मेचर के द्वारा बनने वाला जो EMF है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि यदि आप फील्ड करंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो आर्मेचर के द्वारा बनने वाला EMF भी बढ़ता चलता है। लेकिन एक कंडीशन आती है जब इसका जो है सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, मतलब फील्ड को अब इससे ज़्यादा अगर आप सप्लाई देते भी है तो आर्मेचर के द्वारा बनने वाला EMF कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब इस चुंबकीय प्रॉपर्टी इसकी जो है सीमित हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, तो अब आर्मेचर के द्वारा बनने वाला जो EMF है वो आपका मैक्सिमम हो जाता है। यदि आप इसका ग्राफ बना के देखते हैं तो ग्राफ देखते हैं किस टाइप से बनाना है आपको। इस इधर पे मैं आपके लिए ग्राफ बना दे रहा हूँ। जो एक्स एक्सिस होता है वहाँ पर आपको फील्ड करंट को लेकर चलना है, जिसको अपन IF बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस है इस साइड पर आपको EMF को लेकर चलना है। ठीक है, और यहाँ से रिफरेंस पॉइंट रहेगा 0। तो यहाँ पर अपन एग्जांपल के लिए फील्ड करंट को लेकर चलते हैं 1, 2, 3, 4, और इस साइड पर अपन EMF को लेकर चलते हैं 10, 20, 30, ऐसा होते हुए यहाँ पर 250 वोल्ट है। ठीक है, यदि थ्री फेज का है तो आप यहाँ पर 440 वोल्ट ले लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब अपन फील्ड स्विच को ऑफ रखेंगे, इसके रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण जब वोल्टेज बनेगा तो देखेंगे कि जब आप इस फील्ड स्विच को ऑफ रखते हैं तब भी इसके द्वारा बनने वाला EMF जो है आपका थोड़ा सा रहता है, मतलब 10 वोल्ट बन रहा है। जैसे जैसे आप इसमें जाने वाली जो करंट है उसको परिवर्तित करेंगे या रोटर में जाने वाले फील्ड एक्साइटेशन को चेंज करेंगे तो देखेंगे कि आपका ग्राफ जो है वो धीरे धीरे ऐसा बढ़ते हुए चलता है और एक पॉइंट आता है जहाँ पर आपका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि फील्ड करंट को बढ़ाने से जो आपका EMF है वो भी बढ़ता चलता है, लेकिन एक सेचुरेशन पॉइंट आने के बाद जो आपका EMF है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसका जो है OCC कर्व देख सकते हैं।